बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एफएस कराची वीलो का यूट्यूब और फेसबुक पे खुश आमदीद कहते हैं। आज उस जगह पे आए हैं जहाँ पे पूरे कराची का रिकॉर्ड तोड़ने वाली मंडी, जहाँ पे सबसे स्पीड से माल बिका है। और एक ऐसे व्यापारी से भी कोशिश करेंगे कि रब्ता करवाएं जिस भाई ने टिकटॉक के जरिए अपने 30 से 35 जानवर बेचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड से सौदा हो रहा है। ज़रा आपको बाहर के भी मंजर दिखाएं, माल भरपूर है यहाँ पे। ठीक है, और अंदर भी भरपूर है। स्टार्ट करेंगे, रेट्स लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस मंडी के अपडेट्स देंगे और जो सौदा हो रहा होगा वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि भाई आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। कितनी बार बोले तुम्हें, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? फेसबुक पे देखने वाले फॉलो नहीं कर रहे? तो भाई थोड़ी हमारी मोटिवेशन भी होनी चाहिए। आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट्स करते हैं हम लोग। चलें, रेट्स को स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि मुनासिब से मुनासिब रेट और खूबसूरत से खूबसूरत जानवर आपको इस वीडियो में दिखाएं। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे, पहले जो बाहर का माल है ना उसके रेट्स लेते हैं, फिर अंदर बाड़े में भी चलेंगे जहाँ पे शानदार शानदार ब्यूटी खड़ी हुई। अरे यहाँ पे लाइन से बछड़ियाँ खड़ी हुई। सलाम वालेकुम चाचा, क्या मांग रहे इस लाल बछड़ी के? बिक गया है माशाल्लाह। देखा, मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पे भरपूर सौदे हुए हैं। इस लाल वाली की क्या मांग रहे हो, छोटी खड़ी हुई? जी जी, 1.90। औरंगी टाउन मंडी? औरंगी टाउन बहुत बड़ा है। आप कौन सी मंडी देख कर आए, बताओ इलाका, बताओ इलाका नहीं पता। कहाँ से है? नाजमाबाद से है। देखो मैं आपको बताऊँ, एक बलोच गोड पे। ठीक है, अब यहाँ बड़ी मंडी नहीं है, यहाँ पे सारी छोटी छोटी मंडियाँ मिलेगी आपको। वो भी बड़ी है, बलोच गोड भी बड़ी है, काफी बड़ी है। आप यहाँ से निकले, ठीक है, इस रोड से। इस रोड से निकलने के बाद आप जाना थोड़ा सीधा, एक टर्न आएगा उल्टे हाथ पे, वहां से घुस जाना, आपको ट्रैफिक मिलेगा, वही बड़ी मंडी है। बड़ी मंडी है। देखो भाई, भाई नाजमाबाद से आए वीडियो भी देख के। चलो रेट्स को कंटिन्यू करेंगे। चाचा इस वाइट वाली की क्या मांग रहे हो? कौन सी? ये जो वाइट खड़ी हुई है, शाहरुख। ए दांतों में चाह रहे हो? अच्छा हाँ, इसकी इसकी। अच्छा चाचा को रेट्स नहीं पता जी, किस किस के रेट पता आपको? मेरे को नहीं पता। अच्छा अच्छा, चलो ये वाली। भैया क्या मांग रहे हो इस वाइट वाली के? इस वाइट वाली के 1.65 एफ एस कराची बिलोवर। और ये वाली के? इसके 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपये? अच्छा भाई ठीक है, रेट मुनासिब मांग रहे हैं। तो कहाँ तक बात बनेगी, 1.5 1.10 में बात बनेगी इसकी? ये वाली बन जाएगी 1.10 की। नहीं नहीं, ये वाली, ये वाली 1.5 ये बन जाएगी 1.15। 1.15? अच्छा देखें भाई, दांतों में 2 है, ये दांतों में 4। अच्छा ये 4 दांत है, 2 दांत है। ठीक है भाई, देखो अगर एक के अंदर अंदर इसकी बात बनती ना तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ऊंची हाइट में, वैसे ही ऊंचाई पे भी खड़ी हुई है पर हाइट भी इसकी अच्छी है। अच्छा ये वाला भी आपका है? नहीं नहीं, इसका तो बता दिया उन्होंने, ये वाला ही। अच्छा किसी और का? और कौन कौन सा माल है आपका? यही वाला माल है। अच्छा जी, ये बछड़ा 1.70? 1.70? 1.70 डिमांड कर रहे हैं। बछड़ी की डिमांड उन्होंने अच्छी करी थी, मुनासिब बछड़ी थी, थोड़ी खिलाई पिलाई की मारी है वो, पर इसके रेट इन्होंने थोड़े हार्ड मांग लिए। चले कोशिश करते हैं, अंदर लेके चलते हैं। ये देखें यार, यहाँ पे हैवी जानवर भी है, आपको वो हैवी जानवर दिखाते हैं। ये बछड़े किसके हैं? हैवी वाले, हैवी बछड़े इनके। सलाम वालेकुम, क्या मांग रहे हो भैया? इसके काले वाले के 6.5 लाख। कितने दांतों पे? 4 दांतों पे भाई, बहुत हेवी वजूद में 6.5 लाख मांग रहे हैं। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रेट, थोड़े ऊपर है पर बछड़ा। सऊद 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 सौदा बनाने में लग गया उस बछड़ी का। इस वाइट वाली क्या मांग रहे हो? हमारा नहीं है। हाँ भाईजान, इस वाइट वाले के आओ मुन्ने आओ, इसके 7 लाख मांग रहे हो? अच्छा भाई, इसके इसके 6.5 मांग रहे हैं, इसके 7 लाख मांग रहे हो, इस वाले के इसके 6.5। अच्छा भाई रेट तो ठीक है, बड़ा जानवर है, बड़े जानवर के ऐसे होते हैं। और ये जो बैठा हुआ है, अच्छा भाई ये 5.5 लाख भाई तुमने डिमांड करी है बछड़े की कमर से, बहुत आला। कितने कितने दांतों भाई ये? 4 चारों 4 4 का। अच्छा भाई ठीक है,
ये यहाँ पे चार हेवी बछड़े भी खड़े हुए, चार चार दांतों पे डिमांड 5.5 लाख से 6 लाख माशाल्लाह। आपको ब्यूटी चेक करवाए, जोड़ी की क्या मांग रहे हो इसकी? जोड़ी की 10 लाख। 10 लाख खड़ा करो इनको, ये देखें भाई, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। कितने तक में दोगे बेटा? जो मुनासिब होगा। बछड़ों की ब्यूटी चेक करें भाई, जोड़ी है 10 लाख डिमांड कर रहे हैं। देखें वजन में हल्के हैं पर ऐसी चीज खूबसूरती के साथ मिलते हैं, मजा आ रहा है। अच्छा भाई 10 लाख डिमांड कर रहे हैं, अगर ये दोनों मिलते हैं 5 के अंदर मिलते हैं तो अच्छा सौदा होगा। 5 में बनेंगे दोनों? 4, 4.5, 5 में? इतने वजनी, इतने वजनी का ही है, खूबसूरती है ना। हाँ हाँ खूबसूरती है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखें भाई जोड़ी अच्छी है, 10 लाख डिमांड कर रहा है। देखो ना इतने बड़े, और खड़ा करो ये वाले, खड़ा करो वाला, खड़ा करो ना। हाँ इसको भी खड़ा करना, माशाल्लाह पहलवान को करा दो भाई, माशाल्लाह वाकई में पहलवान है ये। देखें भाई सीधा हो जाए, सीधा हो जाए, फिर इसको देखते हैं। ओहो बेहतरीन, चला हाइट चेक करें। ब्राह्मण है? नहीं ब्राह्मण नस्ल है, माशाल्लाह भाई। देखें क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? 12 लाख नस्ल है, इसलिए इतने ऊपर मांग रहे हो? कम मांगो, कम इसकी भी मांगो, 6 लाख रुपए मांगो, 6 लाख रुपए मांगो, 4, 4.5 लाख में दे दो। कोई और चीज़ है, देख रहे हो भाई इतना सा बच्चा ही मुझे समझा रहा है, कोई और चीज़ है ये है भाई। और इसकी क्या डिमांड करो मुन्ने? 3.5 बनेगा, 180-90 में बनेगा, नहीं, ये बनेगा 280 का, मतलब मेरे रेट में और तुम्हारे रेट में 1 लाख का फर्क आ रहा है। छोटे हो पर हो बहुत तेज। दांत कहाँ गए तुम्हारे? बछड़ा खा गया ना? सेठ है भाई, बड़ा सेठ है भाई, सेठ बच्चा सेठ है। अच्छा तुम्हारा छोटा भी खड़ा हो गया है, इसकी क्या मांग रहे हो? 2-10 बच्चे का टैलेंट चेक करो भाई, फौरन 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 बता रहा है, इतने इतने मांग रहे। और कौन कौन सा मारे तुम्हारा? अच्छा सारे ही अपने। इसके कितने मांग रहे हो? 1 लाख? इसके तो कम मांगो ही तो। चलो तुमने जैसा उसका बोला 10 लाख रुपए खूबसूरती के मांग रहे हैं इसके, बोला ना तुमने? नहीं नहीं कुछ और चीज नहीं, उसके तुमने बोला ना 10 लाख रुपए खूबसूरती के। अच्छा इसमें तो नहीं है ना इतनी खूबसूरती? वजन तो है ना। अच्छा वजन कितना होगा? 2.5-3 मन होगा, 2.5 मन होगा, कितना होगा? जिंदा जिंदा 8 मन ना, तो गोश्त में 2.5 मन होगा, 3 मन होगा, 6 मन 6.5 मन गोश्त में। तो फिर ये वाला कितना होगा गोश्त में? 15 मन 16 मन पागल, ये 8, 8.5, 9 मन बस। अच्छा अटो, इनका अटो भी होता है। छोटे बछड़े भी इनके पास, बड़े बछड़े भी। इसकी क्या मांग रहे हो? 2-20 अच्छा एक बात बताओ, तुम नंबर याद है तुम्हें किसी का? नंबर बताओ, अगर नंबर याद है तो किसी को जानवर पसंद आएगा तो आके बात करके ले जाएगा। मेरे भाई का ले लिया। कहाँ है भाई? कहाँ है? ये भाई। अच्छा नहीं इनका नंबर है, चलो आ जाओ आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। ठीक है भाई जानवर तो अच्छे थे, वहाँ पे रेट भी थोड़े मुनासिब मांग रहे थे। अब चलते हैं, इस क्या मांग रहे हो इसके? यार ये तू इन खूबसूरती के हिसाब से 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, इतनी भी नहीं है कि 40 किलो की बछड़ी के तू 130 मांग रहा है। हाँ तो 2 दांत है ना, तो 1,30,000 कुछ भी नहीं है, ये तो 30 किलो भी नहीं है पूरी। हाँ 100 किलो का जिंदा में ना, गोश्त में 30 किलो है ये बस। मुझे देगा 35,000 रुपये की देगा? शर्मा रहा भाई, ऐसे शर्मा रहा जैसे लाख लगते हैं तो फिर देते क्यों नहीं हो? 31 में देगा भाई ये बच्चा, 3-4 साल का एक साथ कमाने की कोशिश कर रहा है। चलो आओ अंदर चलते हैं बाड़े के अंदर, वहाँ पे भी कुछ रेट्स लेते हैं जानवरों के, यार तो रेट अच्छे मिले। देख लो भाई पार्किंग वर्किंग सब कुछ लॉट चल रही है, यहाँ पे हेवी बछड़े खड़े हैं, यहाँ भी खड़े हैं, यार माल तो भरपूर खड़ा हुआ है यहाँ पे। अंदर चलते हैं भाई, ये आ गए अंदर, यहाँ है रौनक, सही बात है। ये चीज भाई ब्लैक बछड़े की शाइनिंग देखो, ब्लैक बछड़े की शाइनिंग।
कौन कौन से तुम्हारे? सारी पट्टी आते हैं बाहर आते हैं। लड़के इसकी क्या मांग रहे हो भाई डाले के? इतना सोच क्यों रहे हो? अच्छा कौन सा है? 3.5 मांग रहे हो? जरा करीब से देखें, दूर से खैर समझ में नहीं आ रहा इतना। 3.5 लाख डिमांड कर रहे हैं भाई इस वाइट बच्चे के। होगा ज्यादा से ज्यादा 4.25 महीने का बच्चा होगा, 3.5 लाख डिमांड कर रहे हैं टेंट वाले इसलिए। अच्छा भाई, और इस काले वाले की क्या मांग रहे हो भाई? इस काले वाले डन करो सौदा 1,10,000 में भाई। चलो खुशी से 40,000 रुपये मिठाई के दिए भाई को। वीडियो में शर्म आती है भाई, देख रहे हो भाई फेमस 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 बंदा देख लो तुम। हाँ टिकटॉकर की वीडियो लगी हुई है। आ जाओ भाई आ जाओ लेकर आओ भाई बेहतरीन। ये लोया निकल रहा भाई। अच्छा ये देख लो भाई औरंगी काव मंडी। इन्होंने ये जो बंदे माजिद भाई ठीक है, इन्होंने भाई टिकटॉक से बड़ा माल बेचा है। ये वायरल चल रहे टिकटॉक पे हर वीडियो पे। यार इस ने इस वाइटल ये क्या मांग रहे हो? 6.5। अच्छा भाई 6.5। और ये कलर वाले बच्चे के एक? अच्छा मुझे एकदम से समझ में आया 1.80। 3-4 साल पीछे चले गए थे। अच्छा भाई ये कहाँ तक बनेगा? आप क्या दोगे? मुझे तो समझ में आ रहा है ये 2.80-85 में समझ में आ रहा है। खुजा क्यों रहे हो? सोच रहे हो? दोनों दस्ती आएगी। तुम 2 दस्ती दे दो मुझे मसला नहीं है, बाकी का सामान सिस्टम में तुम्हें पहुंचा दूंगा। हमें तो कुर्बानी से मतलब है ना, बाकी तुम गोश्त ले जाना मसला नहीं है। कर लो डील कर लो। ये 5.80 का होगा भाई। 5.80। अच्छा भाई बछड़ा अच्छा है। रेट्स आप पे डिपेंड करता है कि लेने वाले बंदे को कहाँ तक समझ में आ रहा है। भुपारी भाई मांगता है, कभी भी भुपारी भाई की डिमांड पे और उसके फाइनल रेट्स पे नहीं जाओ। अपने रेट्स लगाओ, भुपारी भाई का मुंह बने बनते रहने दो, अपने तरीके से डील करो। ये इस बच्चे की क्या मांग रहे हो लड़के? इसके कुछ भी नहीं मांग रहे, सब माल बिका। 4 सब बिका भाई। ये तुम भी बिके हुए लग रहा है। अरे हम भी बिके हैं, हम भी बुक है हमारी भी। जोड़ी 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 की तो बताओ। हम्म, इस जोड़ी की क्या मांग रहे हो? जोड़ी में ना ये क्या मांग रहे हो? 7.5 लाख। अच्छा भाई ये जो बच्चा खड़ा हुआ है 8 लाख। ये वाला भारी है या वो वाला भारी है? अरे भाई देख लो, इसके भाई मांग रहे हैं 8 लाख। ठीक है आप खुद ही डिसाइड करो भाई, आद वाद का फर्क है। इसके 8 लाख मांग रहे हैं, उसके 6.5 लाख मांग रहे हैं, तो फिर उसका सौदा बेहतरीन है। तो कोशिश करे बंदा उसी का सौदा बनाए। एक यहाँ भी बछड़ा है, एक ये जोड़ी बंदी हुई। क्या मांग रहे हो भैया इसके? 4.5 लाख। 4.5 लाख। और ये वाला? ये भी 4.5 लाख जोड़ी में ही है जी। अच्छा भाई 4.5 4.5, तो ये बन जाते हैं 9। दोनों की देने की बात क्या है इसकी? देने के ये फाइनल 7.5 लाख रुपए की जोड़ी है। अच्छा कितने दांतों में? दो दांतों में, वजन 7-7 मन। वजन 7-7 मन है। अच्छा भाई 7-7 मन दोनों, मतलब आप बोलोगे 14 मन के बछड़े घर के पले हुए बछड़े। ये कतर मोड़ की तरफ से लाए हो ना आप? जानता हूँ मैं आपको। अरे वही बच्चियाँ। इन बच्चियों की क्या डिमांड कर रहे हो? 6 लाख। 50,000 बढ़ा दिए तुमने जोड़ी के, मैं बोल रहे हो ना? 5.5 लाख। हाँ 5.5 लाख तुमने मुझे कतर मोड़ पे बताए थे फाइनल, जब मैं अपने सौदा बनाने के लिए कोशिश कर रहा था फाइनल। ये अच्छा भाई मैं आपको बताऊँ, ये मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं, मैं पर्सनली जब ये अपने घर का जानवर के लिए ढूंढ रहा था ना, तो भाई ने 5.5 लाख मांग रहे थे। तो अभी भाई ने यहाँ पे मंडी में लाया तो 50,000 रुपये बढ़ा दिए। मैंने भाई को बोला था कि 4 के अंदर, अगर दोनों की अंदर मैंने 4 लगाए थे, मैंने 4 के अंदर बात बनेगी तो बताओ मुझे, तो भाई ने सही जवाब दिया नहीं था। और ये बछड़ी किसकी आपकी है? क्या मांग रहे हो इसके? 1.70। अच्छा भाई मुनासिब डिमांड लग रही है, 3.75 महीने की बछड़ी है। कहाँ तक बनेगी ये वाली?
अच्छा भाई, भाई बोल रहे 1:40 में बनेगी, 1:10 1:15 की बात नहीं है। नहीं, अंदर बिल्कुल फाइनल। अगर कोई कस्टमर आता है, मोहब्बत प्यार मोहब्बत क्या दिखाओगे? और देखो नहीं तुम मोल तो देखो, बिन मांगे तो मौत भी नहीं मिलती, ऐसा ही है। फाइनल अभी भी गुंजाइश है इसमें मेरी नज़र में। अच्छा और कौन कौन सा माल है अपना? हाँ ये तो बैठे रहने। ये वाला किसका आपका है? ये हमारा है। अच्छा भाई ये बछड़ी? अच्छा भाई वो आप लोगों के पास कतर मोड़ पे 3 बछड़े खड़े हुए थे वाइट, वो बिक गए? नहीं, एक पूरा वाइट भी था ना, घर की कुर्बानी के लिए रख लिया। अच्छा भाई इनके पास एक बछड़ा था, उसके बाल भी फुल शाइनिंग वाले बाल थे, अच्छा बछड़ा था। तभी वो सब मुझे कह रहे थे कि मैंने 7.5 लाख का बेच दिया, और अभी मुझे कह रहे हैं कि मैंने घर की कुर्बानी के लिए रख लिया। तो ये जो व्यापारी होते हैं ना, इनकी बंदा किसी एक बात पर भरोसा ना करे, क्योंकि दिन में कुछ और बोलते हैं शाम में कुछ और बोलते हैं। सलाम अलैकुम, आपका ही क्या मांग रहे हो? उसके 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 बड़े वाले के? अच्छा भाई 5 लाख डिमांड कर रहे हो इस वाले के? 5 लाख डिमांड कर रहे हो? कितने दांतों पे? 2 दांतों पे? बेहतरीन भाई माशाल्लाह से, इतने हेवी वजूद में। और हाइट चेक करें इसकी आप, अगर आपको हाइट इसकी दिखाऊं तो ये देखें भाई, गुस्से वाला है नहीं। अच्छा और इसके क्या मांग रहे हो चीने के? 2.80 इसके? अच्छा ऐसा क्यों? ये वजनी है नस्ल नस्ल पे? ये तो मारने वाली नस्ल लग रही है मुझे, इस तरह के से खड़ा हुआ है। थोड़ा इसकी डिमांड आपने ठीक करी है, इसकी थोड़ी ज़्यादा हो गई, ऐसा क्यों? अच्छा वैसे ही अगर ये सौदा बनाए तो कितने तक में बनेगा? 4.5 में, अगर कोई लगाए इसके 3 लगाए। कोई बच्चों वाला आएगा ना तो वो तो इसको देख के डर जाएगा, बोलेगा नहीं भाई हमारे जैसा बंदा तो खैर शौकीन बंदा इसका सौदा कर लेगा, और जो बच्चे वाला होता है ना जो बच्चों के लिए लेता है तो इसको देख के डर जाएगा। अच्छा जरा इसको घुमाओ तो, बछड़ा तो भाई हाइट में अच्छा है। आप खुद डर रहे हो खुद डर रहे हो इससे, देख रहे हो? हाँ अरे छोड़ दे छोड़ दे, बछड़ा अच्छा है। एक आइडिया वजन में कितना होगा ये? 8.5 गोश में? अच्छा भाई मेरे आइडिया से होगा 7-7.5 मन, भोपारी भाई के आइडिया से। पठान हो? अच्छा भाई पठान भाई भी भोपारी फील्ड में आ गए माशाल्लाह से। और ये वाला गोश में कितना होगा? 8 मन है। अच्छा गोश की दुकान है। हाँ नंबर दोगे अपना बता दो। 0314 22 98 0062। अच्छा भाई नाम क्या आपका? अब्दुल्ला दुरानी। भाई के पास ये हेवी बछड़ा खड़ा हुआ है, मुझे इसकी प्राइस लिटरली मैं आपको बताऊं 5 लाख मुनासिब, और भाई ने ऐसी बोल दिया कि 4.5। तो अगर कोई सीरियस कस्टमर आएगा ना बात बात करके, इनको मक्खन लगा के 3-3.5 में इनको तोड़ लेता है ना, तो बहुत बारे वाला सौदा है। बस इसका चेहरा थोड़ा सा डरावना, लोगों को डराने वाला है, दहशत फैला दे, बछड़ा बहुत अच्छा है। अच्छा भाई आपको बता दूं कि 40 के रोड पे जो बाड़ा है, हमने पहले भी आपको वीडियो कवर करके दिए, 8:30 40 का रोड से मशहूर है वहाँ पे ये रोड है। ये किसका है? इसकी क्या मांग रहे हो भाई? 2.80। अच्छा भाई खूबसूरत बच्चा है, वजन में थोड़ा सा 50-50 है, 2.80 मांग रहे हैं। और कौन कौन सा माल है आपका? पूरे हैं? अच्छा भाई ये वाला इसकी क्या डिमांड? 3.20। यार सही बात बताऊँ ना तो मुझे आपकी उस वाले बछड़े की डिमांड अच्छी लगी, उसके बाद मुझे थोड़ा सा ऊपर जाते हुए नजर आया। इस वाले बच्चे के 2.80। अच्छा भाई और वो जो वाइट खड़ा हुआ है, अच्छा ये ब्लैक वाला मारता तो नहीं ना ये? अच्छा भाई एक ये ब्लैक खड़ा हुआ है इनके पास, इसकी क्या डिमांड कर रहे हो? अच्छा तो जो डिमांड कर रहे हो मार्जिन कितना रखा है देने का? 20-30 हज़ार रुपये। 20-30 हज़ार रुपये? 50 हज़ार तो उसमें आपने फर्स्ट में गिरा दिया, मतलब 4.5 में आपने बताया कि आपका देने का इरादा है, ऐसा ही है। अगर सीरियस कस्टमर आता है वीडियो को देख के तो 3-3.5 में दे दोगे? 400 ऊपर का सौदा। चले भाई मुझे इनके रेट ना थोड़े मुनासिब लगे, और भाई कह रहे हैं कि इंशाल्लाह कोई कस्टमर आएगा ना तो उससे बात करेंगे,
इनका ये जानवर देखने जरूर आइएगा क्योंकि देखने वाली चीज है। भाई सौदे की कोशिश, भाई ने 280 बोले। ये देखो इसकी इसकी कार्रवाइयाँ देखो, क्या मांग रहे हो इसके लाल वाले के? अच्छा उन भाई का। चलें यार वीडियो हो रही थोड़ी लंबी, वीडियो को एंड करेंगे ठीक है। हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, हमारे एफएस कराची व्लॉग और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो भाई आप लोगों से गुजारिश है कि फॉलो ज़रूर करो, फॉलो ज़रूर करो। इतनी सारी आपको अपडेट्स दे रहे हैं तो थोड़ा उसका रिपोर्ट तो दो। चलें हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।